नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अल्मोक्स कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, अल्मोक्स कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और अल्मोक्स कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि अल्मोक्स कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अल्मोक्स कैप्सूल एक एंटीबायोटिक दवा है। अल्मोक्स कैप्सूल का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर, पेशाब में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर आपका डॉक्टर अल्मोक्स कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी आपका डॉक्टर अल्मोक्स कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर अल्मोक्स कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर अल्मोक्स कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। अल्मोक्स एक ब्रांड नेम है। अल्मोक्स कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन अमोक्सिसिलिन होता है। अल्मोक्स कैप्सूल 250 mg व 500 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में अल्मोक्स कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में अल्मोक्स कैप्सूल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, पेट में दर्द, दस्त और त्वचा पर रैशेस हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अल्मोक्स कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर अल्मोक्स 250 mg से लेकर अल्मोक्स 500 mg कैप्सूल को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। अल्मोक्स कैप्सूल की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और इन्फेक्शन की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अल्मोक्स कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अल्मोक्स कैप्सूल वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करता है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए जब जरूरत हो। बार बार या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाओं को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी, और ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर को दूसरी एंटीबायोटिक दवा देनी पड़ सकती है। अल्मोक्स कैप्सूल प्रेगनेंसी कैटेगरी बी की दवा है। वैसे अल्मोक्स कैप्सूल प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को अल्मोक्स कैप्सूल को लेने की सलाह देते हैं। स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए अल्मोक्स कैप्सूल का सेवन करना सुरक्षित है। वैसे अल्मोक्स कैप्सूल माँ के दूध में थोड़ी सी मात्रा में निकलता है, लेकिन इसकी वजह से दूध पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किए गए हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका अल्मोक्स कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।